हाय गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ बाकले की सब्जी। इसके लिए मैंने कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में डाल लिया तेल आवश्यकता अनुसार। और तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये लिए मैंने बाकले की फलियाँ। बाकला कुछ इस तरह से होता है। और बाकला मैंने धो करके काट लिया है अच्छे से साफ करके। और ये ले लिए हरी मिर्च और टमाटर। ये मैंने दो टमाटर लिए हैं। तेल गरम हो गया है, अब मैं जीरा डाल दूंगी। जीरा हो गया है, अब मैं टमाटर और हरी मिर्च डाल दूंगी। इसी के साथ डाल दूंगी हींग। और ये लिए हैं मसाले, नमक स्वाद के अनुसार। एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और ये हल्दी पाउडर। मिर्ची मैंने कम ली है क्योंकि मैंने हरी मिर्ची काटी है, इसलिए अब मैं मसाले को चला दूंगी। टमाटर को गलने तक भून लूंगी। दो बिजली लिए मैंने लहसुन की, इनको भी काट के डाल दिया है। और टमाटर हमारे गल गए हैं, अब मैं डाल दूंगी इसमें आलू। ये मैंने आलू काट के रख लिए थे धो करके। और इसको भी मैं चला दूंगी अच्छे से। और इसी के साथ डाल दूंगी ये बाकला। और चलाने के बाद इसे हम ढक देंगे। हमने चला दिया अच्छे से। अब इसको हम ढक करके पका लेंगे। देखिए गाइस, सब्जी हमारी बन गई है लगभग और अच्छे से भून गई है। सब्जी को हमने ढक करके भून लिया है, सब्जी का कलर चेंज हो गया है। और इसको हम थोड़ी सी देर और पका लेंगे और हमारी सब्जी बन के हो गई है तैयार। बस इसको थोड़ी देर ही और पकाएंगे हम। देखिए गाइस, सब्जी हम चेक कर लेते हैं। सब्जी हो गई हमारी बनकर तैयार। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय गाइस।